या दो तरीका से कर सकते हो, ठीक है बाबू? क्या है सर? माइनस है सर, माइनस है, माइनस माइनस है सर, है ना? तो मान लो माइनस अगर नहीं रहता बाबू, तो आप लोग यहाँ पे माइनस नहीं रहता, प्लस होता अगर बाय द वे होता तो कैसे करते बाबू? 5 7 का एलसीएम लेते, सिर्फ 35 होता, तो आप बाबू इसको ऐसे कर सकते हो, या तो बाबू 35 लिख सकते हो, यदि बाबू दोनों क्या रहेंगे, प्राइम नंबर रहेंगे, इफ दोनों बाबू इफ बोथ नंबर है बाबू प्राइम, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 × 7 है ना बाबू, तो इसको क्या लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लोगे तो 35 आएगा, तो 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 लिख सकते हैं। सोचो सोचो सोचो, ठीक है सर? क्वेश्चन में क्या है सर, यहाँ माइनस है सर, यहाँ भी माइनस है। अब बाबू मैच करो, किससे मिलान हो गया, पांच पांच मिल गया, पांच पांच मिल गया, तो क्या नहीं मिला सर, सात नहीं मिला, तो यहाँ सात लिख दो, यहाँ बाबू देखो दोनों प्राइम नंबर है ना, जब भी बाबू डिनोमिनेटर में बाबू प्राइम नंबर रहेंगे तो उसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देना, वही उसका एलसीएम होगा, है ना? एलसीएम होगा, ठीक है सर। सर -74/35। अच्छा ठीक है, तो बाबू यहाँ देखो 5 है सर, यहाँ 5 है, तो 5 5 मिल गया, तो क्या नहीं मिला सर, सात नहीं मिला, तो सात लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या बाबू -7 है, तो मल्टीप्लाई कर दो -7 से, माइनस बाबू माइनस दो, यहाँ देखो 7 है सर, यहाँ 7 है, तो 7 7 क्या हो गया बाबू, मिल गया, 7 7 मिल गया, तो बचा क्या सर, 5 नहीं मिला, तो यहाँ 5 लिख दो बाबू, हम मल्टीप्लाई कर दो बाबू, न्यूमरेटर में क्या सर -5 है, तो -5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बाबू? ये -5 बाबू देखो यहाँ ये वाला माइनस, अच्छा सुनो यहाँ ये अगर माइनस यहाँ लिखो बाबू, तो अल्टीमेटली यहाँ -5 से मल्टीप्लाई, ठीक है? म्यूट कीजिए बाबू, 7 × 7 -7 कितना -49 हो जाएगा, और ये -25 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, इसको ऐड करो बाबू, ये जानवी शर्मा म्यूट कीजिए ना, जानवी शर्मा, जानवी शर्मा म्यूट करो ना बाबू, क्या कचरा की कर रही है, ठीक है? नेक्स्ट बाबू -49 20 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, तो -74 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो दिस इज योर बाबू रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट, आया था ज्योति, ज्योति बाबू आंसर इतना आया था कि नहीं आया था ज्योति? यस सर आया था। कहाँ चल गई थी संजना? संजना सर HW दीजिए, दे रहे हैं दे रहे हैं। अब प्रिंस बाबू ये वाला एसएन का जानते हो कि नहीं जानते हो? प्रिंस सर हम बना के पहले आंसर बोले हैं। ऐसा, अच्छा बाबू, ठीक है, ठीक है सर, एक आधु को होमवर्क करके लाएगा बाबू, होमवर्क करके लाएगा, 42 नंबर ये है बाबू, डी आई तो 3 दे दीजिए सर। सर शाम में सर बैच 1 का जो सर है सर, वो 7 बजे से है सर या 7:30 से? बाबू उसका तो मैसेज ही नहीं डाले बाबू, ले कि छोड़ दें बताओ जैसा। सर ले लीजिए सर। हाँ बाबू सर बताइए ना सर, 7 से 8 बजे से या 7:30 से क्लास है सर? बाबू उसका लेंगे तो 7:30 बजे से लेंगे बाबू, 7:30 बजे से लेंगे। तो 7:30 से सर 8 बजे तक तो कहीं जाना है क्या बाबू? 7:30 बजे रात हो जाता नहीं, तो कहीं जाना है? नहीं सर, तो मैं मैसेज डाल दूँ सर, सेंड कर दीजिए सर। डाल दीजिए बाबू, ठीक है बाबू, इतना बना के आप लोग लाइएगा। अब प्रिंस थोड़ा बाबू मोबाइल वगैरह का, इस प्रिंस छत पे हो बाबू? यस सर। कई परसेंट बच रहा है बाबू? सर 3%। हाँ तो मोबाइल वाल थोड़ा चार्ज करके रखे बाबू, स्कूल से आए थे तो मोबाइल तो चार्ज था शैतान लगता है। सर 17% था। चलो बहुत कम बैटरी आपका खाता है बाबू, हम लोग का तो 40% उड़ जाता है, मोबाइल छोटा ना इसीलिए, बाकी देखते हैं बाबू टाइम मिलेगा तो आएंगे, तो एक्सटेंशन कोड लगा देंगे ना, तो सही हो जाएगा आपका, ठीक है प्रिंस बाबू जाइए। अच्छा प्रिंस बाबू ये कर लोगे ना, दो दिन तीन दिन का टाइम है, अलजेब्रा का एडिशन कर लोगे ना बाबू, हो जाएगा ना? तो अभी क्या करोगे, अभी बाबू मोबाइल को डाउनलोड कर लो, 2-3 वो वीडियो, चार्ज में अभी लाइट आया हुआ है ना प्रिंस? हाँ